तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि RL और EL में क्या डिफरेंस होता है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारा ड्राइंग में RL और EL का कॉम्बिनेशन यूज होता है। तो होता क्या है ये, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन RL एंड EL। तो आज मैं वीडियो भी थोड़ा दूसरे टाइप से बना रहा हूँ, थोड़ा लाइव होगा और सेफ कंटिन्यूटी में जो है सो मैं लिख कर भी बताऊँगा। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल, मेरा नाम है सुजीत सिंह और चैनल देख रहे हैं आप सिविल कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर। तो मैं पेपर पर आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन RL एंड EL। तो ज़रा ध्यान से देखने का है, वीडियो छोटा होगा लेकिन ज़रूरी है। तो मैं इसको बैक टू पेपर स्क्रीन में करता हूँ इसको मोबाइल। तो देखिए, ये हमारा पेपर आ गया है। तो RL में क्या होता है बेसिकली, कि आपको बताया कि पहले हम लोग जो बेंचमार्क होता है उसे लेवल ट्रांसफ़र करते हैं, किसी ग्राउंड में उस हिसाब से RL निकालते हैं। बेंचमार्क में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल कर उसके बाद उसको रखते हैं हम लोग प्लॉट के ऊपर या ग्राउंड के ऊपर जहाँ का लेवल निकालना है, और उसमें स्टाफ रेटिंग माइनस करके हम लोग RL निकालते हैं। ठीक है, अब ये RL जो है सो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं किसको, ARL ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग जो ड्राइंग बनाता है, जनरली आर्किटेक्ट को। ठीक है, अब ऐसा रिक्वायरमेंट हो सकता है कि अंदर में जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का है जो प्लिंथ लेवल होता है, प्लिंथ लेवल वो अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है प्लिंथ लेवल। ठीक है, अब सपोज करो कि कोई ग्राउंड ऐसा है, इस ढंग का लैंड है, ऐसे इधर भी है। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं आप, और एज्यूम करो कि ये जो है सो 2 मीटर है डिफरेंस, तो यहाँ का RL तो अलग हो, यहाँ RL अलग होगा। ठीक है, पूरा को डेवलप करना है, यहाँ से यहाँ लैंड पूरा डेवलप करना है, ये स्ट्रक्चर बनाना है, फिर क्या कि यहाँ कोई स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, यहाँ स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ स्ट्रक्चर बनेगा। तो सेम प्लॉट में लेवल अलग अलग है, प्लिंथ लेवल जो है वो भी अलग है। इसका प्लिंथ लेवल मान लो यहाँ है, ये दोनों करीब करीब एक लेवल में है, तो दोनों का प्लिंथ सपोज करो प्लिंथ लेवल एक है, लेकिन यहाँ का जो है प्लिंथ लेवल ये अलग है, इस हाइट पर है। ये सपोज करो कि PL1 है, PL1 PL2, तो हमारा आर्किटेक्ट क्या करेगा, और इसका सपोज करो कि इसका RL इस लेवल में RL 100 है। ठीक है, ये 2 मीटर ऊपर है, तो इस लेवल में RL अब मान लो कि 102 है। ठीक है, अब प्लिंथ लेवल जो RL है उससे मान लो कि 600 mm ऊपर है, तो इसका प्लिंथ लेवल क्या हो गया, यहाँ पर RL के टर्म में 100.6 मीटर। ठीक है, इसका भी सपोज करो इस साइड में भी अगर 600 प्लिंथ लेवल है एबव ऑफ दिस RL, तो इसका प्लिंथ लेवल क्या हो जाएगा, यहाँ 102.60। ठीक है, अब यहाँ पर एक टेक्निक है, जो आर्किटेक्ट ड्राइंग करता है उसमें
उस ड्राइंग में जनरली जो प्लिंथ लेवल है, ठीक है, प्लिंथ लेवल है उसको 0.00 यहाँ प्लस माइनस ये लेवल लगता है। सपोज करो कि एक बिल्डिंग है, देखो यही समझने का है, बिल्डिंग का मान लो कि वॉल है, ठीक है, और ये उस बिल्डिंग का प्लिंथ लेवल है, ठीक, प्लिंथ लेवल है, इसी लेवल में फिनिश्ड फ्लोर लेवल भी आ सकता है, ये है, और इसके नीचे जो है तो इसका फाउंडेशन है, ठीक है। तो ये प्लिंथ लेवल को क्या मान लगा है, 0.00, ठीक है, इसको टर्म लगा ई एल, ई एल बोला तो एलिवेशन लेवल। अब अगर ये स्ट्रक्चर यहाँ के कॉरस्पॉन्डेंस चल रहा है, ठीक है, मान लो कि ये यहाँ का फाउंडेशन है सपोज करो इधर का, तो यहाँ पर क्या लिखेगा, इसके लिए क्या लिखेगा, ये इसके लिए लिखे, इसका प्लिंथ लेवल आर एल के टर्म में कितना है, 100.60, तो लिखेगा 100.00 कॉरेस्पॉन्ड्स टू 0.00 प्लस माइनस 0.00, ठीक है, ये प्लस माइनस, ये क्या है आर एल है, ये क्या है ई एल है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर यहाँ हमको लिखना पड़े जो पहले का टर्म था, तो यहाँ क्या है 102.600 कॉरेस्पॉन्ड टू 0.00, ठीक है, ये ई एल है, ये आर एल है। अभी समझ में आ गया होगा, लेकिन इसका यूज कैसे होता है। अब जब आर्किटेक्ट ड्राइंग बनाएगा, सपोज करो कि ये 0.00 है, यहाँ पर ई एल है ये, ठीक है, अब ये इसके रेफरेंस में समझ लो या इसके रेफरेंस में समझ लीजिए आप, ये जो मैं लिखा हूँ उसके रेफरेंस में ना, किसी भी रेफरेंस में। अब ये 0.00 है तो मान लो कि ये जो है डेप्थ है, सपोज करो ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन का डेप्थ कितना है, अब मान लो ये 2 मीटर है, ठीक है, तो जब यहाँ पर ये 0.00 है, प्लस माइनस क्यों लिखता है, 0.00 ई एल, ठीक है, तो इसमें से माइनस 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ का लेवल अगर लिखेंगे हम लोग तो यहाँ का ई एल कितना हो जाएगा, माइनस 2.00। अभी समझ में आ गया एलिवेशन के रेस्पेक्ट में। उसी तरह सपोज करो कि यहाँ ऊपर जा रहा है, यहाँ एक रूफ है, ठीक है, ये रूफ है। अब ये अगर 0.00 लेवल से रूफ का हाइट 4 मीटर है तो यहाँ का ई एल कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस, लेकिन ये क्या है, ये माइनस है, ये रूफ का लेवल क्या हो जाएगा, प्लस 4.00 ई एल का टर्म, ठीक है। अब ये इस रेस्पेक्ट में आप आर एल भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज करो जैसे ये आर एल, अगर यहाँ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, 100.600 कॉरस्पॉन्ड टू 0.00 ई एल, अब यहाँ का ई एल कितना है, माइनस 2 है। अगर यहाँ का आर एल हमको निकालना चाहते हैं, सपोज करो कि यहाँ का आर एल हम चाहते हैं निकालना, ये नीचे कितना आता है, ई एल माइनस 2.00, ये ई एल आता है। अब यहाँ का आर एल निकालना चाहते हैं तो इसमें से भी हम लोग माइनस 2 कर देंगे, ठीक है, माइनस 2 गया तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 2 कितना हो गया, यहाँ का आर एल 98.600, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देने का है, ये माइनस साइन है यहाँ पर क्योंकि 0 से नीचे है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस साइन नहीं है, डिजिट कम हो जाएगा,
ठीक है, इतना में से दो गया, 100 में से दो गया 98.600। तो ये आपको पता चल गया होगा, नया ढंग से वीडियो बनाया है बिल्कुल लाइव। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फुल देखिए, फुल वॉच है ना, अभी बढ़ रहा है धीरे धीरे, पूरा देखिए। और देखिए मेरा सेटअप कैसा है, ये है, यहाँ देखिए, ये मेरा पीसी है और पीछे कपबोर्ड है जिसमें जिसमें डॉक्यूमेंट सब रहता है। तो इस ढंग का सेटअप है, तो आज के लिए थैंक्स, और वीडियो को जरूर देखिए।